हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज शंपा एंड पीहूस ब्लॉग। और अभी मैं हूँ अपनी किचन में, और किचन की हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आप लोगों के साथ मतलब ब्लॉग तो करना ही होगा। आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। तो पहले मैं पैकेट में जो पनीर है, इसको पैकेट को मैंने काट लिया है। अभी इधर मैं आटा गूंद के रखा है अजवाइन के साथ। इसको मैं पूरी या पराठा कुछ भी बनाऊंगी, अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो पनीर को मैंने पहले से अच्छे से धो के लूंगी, क्योंकि बाजार के जो पनीर होते हैं बनाने से पहले अच्छे से धोना पड़ता है। तो इसको मैं अच्छे से भी धो लेती हूँ। और इधर मैंने लिया है 3 टमाटर, आप लोग देख सकते हो। इसको भी मैं डालूंगी पनीर की सब्जी में। और इंस्टेंट कैसे पनीर की सब्जी मैं बनाती हूँ वो आप लोगों से शेयर करूंगी आज। तो पनीर को मैंने फ्रिज में रखा था, इसीलिए एकदम जमकर बर्फ हो गया है। इसलिए काटने में थोड़ा सा तो दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर बाद में इसको काटती हूँ। देखिए बहुत हार्ड हो गया है ये, तो इसको थोड़ी देर मैं रख देती हूँ। तब तक मैं ओवन में जो कढ़ाई को मैंने रख दिया है, तो कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें मैं तेल डालूंगी अभी। तो मैंने इधर डाला है रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हो, जिनको जो पसंद है। और इधर मैंने पनीर मसाला भी ले लिया है। और देखिए मैंने लिया है दूध, आधा कटोरी दूध में ये जो पनीर मसाला है इसको मैं डालूंगी और अच्छे से मिक्स करके लूंगी। तो इसको भी मैं काट लेती हूँ पहले। अब दूध में मिला के मैं चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। अभी देखते हैं कि पनीर काटता है या नहीं। हाँ, अभी तो ये ठीक से काट रहा है, फिर भी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन पहले से ज़्यादा ये काट रहा है। तो इसका शेप तो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो गया है, लेकिन फिर भी ये काट रहा है, यही काफ़ी है। तो चलिए, ऐसे छोटे छोटे पीस में मैं पनीर को काट लिया है। अभी कढ़ाई में मैं मसाला पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके लूंगी पहले। आप चाहे तो ऐसे कच्चा पनीर भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्राई करने के लिए मैं अच्छा लगता है, इसलिए मैं फ्राई करके लेती हूँ। अभी देखिए पनीर मेरा फ्राई हो गया है एक तरफ से, इसलिए मैं दूसरी तरफ को इसे पलट दिया है। अभी दूसरी तरफ भी मैं ऐसे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके लूंगी। अभी मेरी सारी पनीर ऐसे फ्राई हो गया है। अभी इसको मैं चम्मच की सहायता से एक थाली पे मैं उठा लूंगी इसको। अभी कढ़ाई पे जो बचा हुआ तेल है उसी में मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये रेडीमेड पेस्ट है फ्रेंड्स, लेकिन अगर मेरा यकीन आप लोग करोगे तो ये पेस्ट बहुत अच्छा है। स्मिथ एंड जॉन्स का पेस्ट है ये, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो मैंने इधर 1.5 चम्मच दिया है ये पेस्ट। अभी इसको मैं तेल में अच्छे से भून के लूंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पेस्ट लेना जरूरी है, इसलिए मैंने और आधा चम्मच पेस्ट इसमें डाल दिया है।
क्योंकि इसमें ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है। ये अदरक और लहसुन की जो कच्चापन है इसे इसको जाने तक मुझे इसे फ्राई करना है। अभी मैं 3-4 इलायची, छोटी इलायची जो होती है उसको तोड़ के इसमें डाल दूंगी। अभी इसमें 2 या 3 टमाटर मैं आप लोग ऐसे काट के डाल सकते हो। मैं इधर 3 टमाटर लिया था लेकिन 2 टमाटर ही मैंने इसमें डाला है। चलिए मैंने इसमें अब डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक। अभी चम्मच की सहायता से मैं इस मसाले को अच्छे से ऐसे भून के लूंगी और टमाटर को ऐसे मैश करते रहूंगी। अभी मैं इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च की पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग लाल मिर्च नहीं खाते हो तो हरी मिर्ची के वो पेस्ट करके भी डाल सकते हो, लेकिन लाल मिर्ची डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। अभी जो दूध में मैंने मसाला को मिक्स करके रखा था उसको मैंने डाल दिया है। अभी सारे एक साथ मिक्स करके इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक इसको ऐसे पकने देना है। अभी ये मसाला बॉईल होना चालू हो गया है, अभी कुछ देर और इसको पकाएंगे हम। अभी देखिए धीरे धीरे गाढ़ा बनते जा रहा है। चम्मच से ऐसे बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। ये जो आपको आवाज सुनाई दे रही है ये पीहू की आवाज है। पीहू की आवाज आपको सुनाई दे रही है बीच बीच में। तो चम्मच से मैं ऐसे अच्छे से इसको मैश करके लूंगी ये मसाले को। अभी मैं इसमें सारे पनीर डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग ऐसे सब्जी को बनाओगे तो एकदम, आप लोग अगर मेरे ऊपर यकीन करोगे तो मैं आपको बोलती हूँ कि एकदम रेस्टोरेंट जैसे पनीर की सब्जी ये लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप ऐसे बनाओगे तो एक बार बना के तो देखो, फिर बताओ मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी कि नमक या सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ तो मैंने टेस्ट भी कर लिया है, सब कुछ ठीक ही है, बराबर से है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस ग्रेवी को पतला करना है, क्योंकि हम इसको खाएंगे पूरी के साथ और पिनाकी को थोड़ा सा मतलब पतली सब्जी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पतला करूंगी। तो इसलिए मैंने डाला पानी थोड़ा सा, लेकिन इतना पतला मैं नहीं रखूंगी, थोड़ा सा और भी गाढ़ा करूंगी। तो इस पानी को मैंने मतलब पकने देती हूँ थोड़ी टाइम के लिए, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर मेरा सब्जी बन जाएगा। तब तक के लिए मैं हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची को अच्छे से धो के उसको काट लेती हूँ। अभी सब्जी में तो उबाल आ गई है।
और पीछे आप लोगों को ये सुनाई दे रही है पीहू की बातें। पीहू ऐसे मुंह में आवाज करते रहते हैं हर टाइम, इसको मना करती हूँ फिर भी नहीं सुनता है, जितना मना करती हूँ इसको वो और भी ये ज्यादा करता है ऐसे। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी वो ज्यादा करके ऐसे करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है ये धनिया पत्ता, ये सूख गया है लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से धो के फिर ले लिया है। तो इसको मैं कच्चे की सहायता से इसको छोटे छोटे करके काट लूंगी। और इधर मैंने लिया है एक शिमला मिर्च, इसको भी मैं छोटे छोटे करके बारीक काट लेती हूँ। तो इसकी जगह आप लोगों का अगर कैप्सिकम रहे घर में तो कैप्सिकम भी डाल सकते हो, मेरे पास यही था मैं इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। इसमें कोई मतलब तीखापन नहीं आता है, बच्चे भी इसको खा सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है इसको, अभी 2 सेकंड तक इसको अच्छे से मिक्स करके पकने देना है, फिर मैं ओवन को बंद कर दूंगी। पीहू ऐसे मुंह में आवाज मत करो। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ। इधर पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं, मैं साबूदाना की खीर बना रही थी। बस ये मेरा खीर भी रेडी हो गया है, बहुत यम्मी बनता है फ्रेंड्स। और मैंने बनाया है एक इधर ये पूड़ी भी मेरा रेडी हो गया है, अजवाइन की पूड़ी है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मेरे लिए कष्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि फंक्शन तो मैं रुकवा नहीं सकती हूँ और ये भगवान का फंक्शन है तो ये तो चलता ही रहेगा और हमें ब्लॉग भी करना है। तो आज हमारा डिनर में यही है और साबूदाना की खीर की रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है, इसकी रेसिपी मैं कभी किसी और दिन आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज थोड़ा सा शांत हो गया है आवाज। मैंने पिनाकी को बताया है कि बाहर से वो थोड़ा सा वीडियो करके लाने के लिए आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं अभी फ्रेश होके फिर मैं भी जाऊंगी उधर। तब तक के लिए मैंने बताया है कि उनको वीडियो करने के लिए, अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। मैं फ्रेश होके फिर उधर जाती हूँ, फिर उधर की वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाय बाय। अगर आज की वीडियो और ये रेसिपी पनीर की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इधर अभी हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है, आज ड्राइंग कंपटीशन है, छोटे छोटे बच्चे आज ड्राइंग कर रहे हैं। हमारे साथ साहब जी है, साहब जी आपका नाम? मेरा नाम धीरज। अच्छा धीरज साहब, आज आप इस प्रोग्राम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनके लिए आज हमने यहाँ पर एक ओपन ड्राइंग कंपटीशन रखा है और इनके लिए इनको हाफ आवर्स दिया गया है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं साढ़ा सात सोसाइटी के लिए। ये भी एक गर्व की बात है कि यहाँ पे जो भी टैलेंट है वो टैलेंट उभर के बाहर आ रहा है। अगले मैं ये चाहूंगा कि अगले आने वाले कल में ये लोग और भी ऊपर जाए, हमारे बच्चे और ऊपर जाए, अपने देश का नाम रोशन करें। तो चलिए बात और नहीं बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं।
सुंदर गणपति का आया है, छोटे से गणपति। जैसे कि दोस्त लोग आप देख रहे हैं कि कल जो अंताक्षरी अधूरा रह गया था, जो नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, आज उसका सेकंड पार्ट चालू होने वाला है। थोड़ी देर में पार्टिसिपेंट्स वगैरह सब आ गए हैं, आप लोग भी एंजॉय करते रहिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों अंताक्षरी चालू रहेगा, लेकिन मेरे पास इतना अभी इतना वक्त नहीं है, मुझे भी दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाने का है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, सब लोग अंताक्षरी में। कल आप लोगों को जरूर रिजल्ट पता चल जाएगा कौन क्या हुआ है, और जो ड्राइंग हुआ है उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले